हम शुरू करते हैं आचार प्रतिष्ठा। मैं जानना चाहता हूं, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं भैया जी इस प्रोग्राम में, क्योंकि मैं आज आया हूं इसीलिए लोगों को बताने के लिए कि उनकी बहुत सारी समस्या। मुझे मुंबई से एक लेडी ने कहा कि उनकी बेटी बेटी जो है 7 साल की है और अस्थमा से पीड़ित है। अच्छा। और वो सबसे पहला सवाल ये है उनका, उन्हें डाउट है कि उसे योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर करना चाहिए तो प्राणायाम करना चाहिए या आसन करने चाहिए, और सही एज क्या है, प्लीज गाइड करिए। जी देखिए, 7 साल की बच्ची है, योग तो जरूर करना चाहिए, और अगर बचपन से कर रही होती तो ये समस्या ही नहीं होती। लेकिन हाँ, अस्थमैटिक पेशेंट्स को हम जितनी भी एग्जर्शन वाली क्रियाएं हैं वो उनको नहीं करनी। थकना नहीं है, रिजुविनेट करना है अपने आप को, और खास तौर पे इनको करना होगा नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। मेरे पास खुद एक 7 साल की साधिका यहाँ पर बैठी हुई है, तो नाड़ी शोधन के लिए आप बच्ची को बिठाइए, खेल खेल में योग सिखाइए, और ये जरूर उसे बता दें कि योग मजा है, सजा नहीं है। पापा जी, सजा नहीं है, मजा है, और यही करना। तो मुझे क्या करना है वो बताइए जरा। जी, आप जी। इस तरह से बच्ची को बिठाइएगा और बस ये देख लें कि कौन सा स्वर ज्यादा एक्टिवेट है, यानी कि राइट से ज्यादा सांस आ रहा है या लेफ्ट से। अगर लेफ्ट से आ रहा है तो राइट नॉस्ट्रल को बंद करना। अगर लेफ्ट से आ रहा है, हाँ, अगर लेफ्ट से आ रहा है तो राइट को बंद करना, और लेफ्ट से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, जितना एक्सट्रीम आप इनहेल कर सकते हैं पूरा इनहेल करना, और फिर लेफ्ट स्वर को, नॉस्ट्रल को बंद करके राइट से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। अब जिससे सांस छोड़ा है उसी से फिर से सांस भरना, और दूसरी तरफ से सांस छोड़ते जाएं। यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो फर्स्ट स्टेप है, जिसको हम सुखपूर्वक प्राणायाम या अनुलोम विलोम भी कहते हैं, अगर बच्ची 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम इसका अभ्यास करे तो आप देखेंगे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अस्थमा जैसी समस्या से वो दूर हो जाएगी, और थोड़ी देर उसको प्रकृति के साथ जरूर समय बिताए, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे वो थोड़ी देर बैठे, और जितना हो सकता है शुद्ध हवा ले। एसी में ऐसी की तैसी मत कीजिए आप इस जनरेशन की, यानी उन्हें खुली हवा लेने दें, प्रकृति के साथ वो थोड़ा समय बिताए, और साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें तो वो अपनी समस्या से बाहर आ सकती है। तो ये खासतौर से जहां तक लंग्स की रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्राणायाम एक ऐसी चीज है जिसको कि किया जा सकता है। बिल्कुल, आसन नहीं करने, आसन भी कर सकती हैं। यहाँ पर खास तौर पे वो करें गोमुख आसन का अभ्यास, और छोटी सी बच्ची है तो बहुत आराम से कर सकती है। इस प्रकार से पैरों को सामने फैला देंगे, बाएं पैर को फोल्ड करके दाएं हिप को टच करें, दाएं पैर को फोल्ड करके बाएं हिप को टच करें, इस स्थिति में बैठना, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से पीछे ले जाना, दूसरे को नीचे से पीछे ले जाना, आपस में मिला करके। आप प्रतीक जी, आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ऐसा करने में आपका जो लंग्स है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती हुई आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ पे हम गहरा सांस 5 बार लेते हैं और 5 बार ही एक्सहेल कर देते हैं इसी स्थिति में बैठे बैठे, और फिर हाथों को वापस ले आते हैं, पैरों की स्थिति बदल करके हम इसको करते हैं। दूसरा एक सबसे अहम जो इसमें है अभ्यास है, वो है अर्धचंद्रासन का अभ्यास। अर्धचंद्रासन के लिए इस प्रकार से हम दोनों हाथों को जमीन पर टिकाते हैं, और राइट पैर को दोनों हथेलियों के बीच में, लेफ्ट पैर को पीछे लंबा, और यहां से भी चेस्ट का एक्सपेंशन पूरा, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, यहाँ पे यथा सामर्थ्य रुकना, पूरा इनहेलेशन डीप, और फिर एक्सहेल करते हुए हाथों को वापस ले आना। इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से भी दोहराते हैं, और फिर सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। यानी ये 2 से 3 ऐसी सुगम सी क्रियाएं हैं जो अगर ये बच्ची, तो 7 साल का बच्चा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये अगर उसको करेगी तो निश्चित रूप से अस्थमा की समस्या, अस्थमा की और एलर्जी जितनी हैं जो आजकल लोग इससे ज्यादा परेशान रहते हैं, वो भी इससे भी इसको निजात मिल सकती है। हाँ, इससे मिलेगी, और एलर्जी के लिए खासतौर पर देखिये, एलर्जी क्यों होती है, हमारा इम्यून सिस्टम लो होता है तो हमें एलर्जी हो जाती है, यानी ग्रेन एलर्जी हो गई, डस्ट एलर्जी हो गई, कार्पेट एलर्जी हो गई, कुछ लोगों को व्हीट एलर्जी तक हो जाती है, वो रोटी भी नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे में जितना ताम झाम हम 2 वक्त की रोटी के लिए तो कर रहे हैं, और अगर वो रोटी हमें ना मिले तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, यानी कि हमें स्वस्थ रहना होगा। उसके लिए हम करते हैं विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति को हम खड़े होकर के करते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ आपको खड़े होकर के दिखा रही हूँ। विरेचन गति के लिए हम सीधे खड़े हो जाते हैं, हाथों को इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल पर टिका देते हैं, सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना, यानी ऐसा हम कम से कम 100 बार तक करते हैं। और जो लोग घुटने में जिनके दर्द नहीं है वो इसे जंप के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि
ऐसा भी अगर करते रहे तो फिर जो मोटे लोग हैं वो भी आपकी तरह एकदम पतले हो जाएंगे। मैं ये सोच रहा था क्योंकि मुझे ध्यान इस तरह कि मेरे पास एक और भी आया है कि प्रतीक जी पतले हुआ जा सकता है क्या योग के द्वारा? अगर हुआ जा रहा है जैसा कि अमृता बता रही थी वैसी काया मिली जा सकती है, आप जैसी काया पाई जा सकती है, तो कैसे पाई जा सकती है? और वो तमाम सारे लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हैं और जो सामान्य जीवन में हमारे रहते हैं, तो कैसे सुंदर काया? हालांकि लोगों का ध्यान होना चाहिए पाजी सुंदर मन कैसे पाया जाए, लेकिन लोग आजकल पढ़े हैं कि सुंदर, मेरे पास आओ ना पाजी, तुम हमेशा अच्छी बात दूर चले जाते हो मुझसे, तो अच्छी काया कैसे पाई जाए? तो चलो पाजी पहले अच्छी काया कैसे पाया जाए इस पे बात कर लेंगे, लेकिन हाँ पाजी मैं भूलूंगा नहीं कि अच्छा मन कैसे पाया जाए और मस्तिष्क कैसे हो, तो पहले काया की बात, अच्छी काया कैसे? देखिए हम जिसके बारे में सोचते हैं वैसे ही हम होते चले जाते हैं, है ना? आपने देखा होगा कुछ पति पत्नी एक उम्र के बाद भाई बहन जैसे लगने लगते हैं क्योंकि वो साथ में रहते हैं, है ना? वैसे ही हम सोचते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारा आचरण विचार सब कुछ वैसे ही हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो सूर्य से ज्यादा एनर्जी किसी में नहीं, किसी में। तो इसलिए अगर हम सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा तन यानी काया भी अच्छी होगी और हमारा मन भी अच्छा होगा। अच्छा मैं इसको करें आप इसके बारे में मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि बुक पे पढ़ रहे थे कि साहब वो एक मिनट में इतने बार सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, ये क्या है इसके मिस्ट्री क्या? देखिए योग सजा नहीं है, मजा है ये तो है, लेकिन योग जो है वो सिर्फ कसरत भी नहीं है। यानी कि हम एक मिनट में कर लें, दो मिनट में कर लें, यहाँ पर हमारा कंपटीशन जो योगी है उसका कंपटीशन किसी से नहीं, सिर्फ अपने आप से है ना। द मोमेंट आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस और आज मैं कितनी यात्रा को तय कर चुका हूँ, ये बहुत आवश्यक है। तो योग का अभ्यास सही मायने में आराम से सुकून से ही किया जाना चाहिए। तो 12 स्टेप्स में सूर्य नमस्कार को किया जाता है क्योंकि सूर्य 12 राशियों में रहता है और 12 स्टेप्स के सूर्य नमस्कार को 12 दफा ही किया जाता है। ये एक फैड ट्रेंड चल गया है कि अरे हम 100 बार करेंगे, 200 बार करेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। 84 लाख योनियां और 84 लाख ही आसन, तो 84 लाख आसनों में से आप सिर्फ सूर्य नमस्कार को पकड़ के बैठ जाएं ये भी कहीं सही नहीं है। तो इसलिए आप 12 बार सूर्य नमस्कार करें, उसके साथ ऐसी बहुत सी और क्रियाएं हैं जिनका अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो तन भी सुंदर होता है और मन भी सुंदर होता है। और बच्चों की बात करें तो ये प्रत्यक्षा सारस्वत 7 वर्ष की बच्ची है, ये हमारे साथ सूर्य नमस्कार करेंगे और सभी साधक यहाँ पर साथ में करके दिखाएंगे। वेरी गुड, आइए। तो सूर्य नमस्कार के पहले स्टेप में हम इस प्रकार से आंखें बंद करके नमस्ते की स्थिति में आ जाते हैं, कंठकूप में हम अपने अंगूठों को लगा लेते हैं और मनोवह नाड़ियां यानी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पे हमारा प्रेशर है। यहाँ पर उदयमान सूर्य के दर्शन करना, बंद आंखों से ये महसूस करना कि सूर्य की तेजस्विता, ओजस्विता, सहिष्णुता, मन्योर सब मुझे प्रदान कर रहे हैं सूर्य। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना, शरीर को ऊपर की ओर खींचना और जितना संभव हो पीछे की ओर झुकना। तीसरे स्टेप में सांस छोड़ते हुए हम आगे की ओर झुकते हैं जितना इजीली झुक सकते हैं। चौथे स्टेप में सांस भरते हुए एक पैर को पीछे कर देना, सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा, जितना हो सके पीछे झुके। और सांस भरते हुए दोनों पैर पीछे और कमर धोबी के फट्टे की तरह बिल्कुल सीधी हो जाती है। यहाँ पर आप जो एब्स बनाना चाहते हैं उनके एब्स भी बन जाते हैं। क्या, क्या बात है पाजी, तुम्हारे काम की चीज है ये। यहाँ से साष्टांग प्रणाम यानी कि 8 अंग जमीन पर, दोनों पंजे, दोनों घुटने, सीना, माथा या ठुड्डी और दोनों आपकी हथेलियां, 8 अंग जमीन पर। और फिर सांस भरते हुए सर्पासन की स्थिति में आ जाना। सांस छोड़ते हुए अधोमुखी श्वान आसन, पैरों की एड़ियों को जमीन से छूना, पैर के पंजों को देखना। सांस भरते हुए जो पैर पीछे गया था उसको भी सामने की ओर ले आए, चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा। फिर से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए फिर से नमस्ते की स्थिति, बंद आंखों से उदयमान सूर्य के दर्शन और सूर्य के जितने भी गुण हैं वो सब मेरे भीतर जागृत हो रहे हैं ऐसा हम अनुभव करें। अच्छा एक एक बात है, मैंने देखा सारे लोग हैं, सारे लोगों की पोस्चरिंग अलग है, सारे लोगों की क्योंकि फिजिक अलग है, बिल्कुल। तो लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं योग में पोस्चरिंग का बड़ा महत्व है और सांस का उससे ज्यादा महत्व है, तो सांस कब लेनी है कब छोड़नी है योग में ये, और पोस्चरिंग कैसे करें ये? प्रतीक जी इतना अच्छा ये प्रश्न है क्योंकि आजकल
समस्या ये हो गई है, एक एक हफ्ते में योग टीचर भी बनने लगे हैं आजकल। नहीं नहीं, तो तब मैं तो वो सवाल आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं, हम आपकी बात बिल्कुल समझ रहे हैं। और वहाँ कंफ्यूजन एक सांस को लेकर के बहुत बड़ी रहती है। तो सांस के दो नियम हैं, यानी एक नियम तो ये कि जब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो तो हम सांस छोड़ते हैं, एक्सपैंड हो तो सांस लेते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा नियम जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया वो ये कि प्रतीक जी, अगर मैं आपको अभी कहूँ कि एक मेज हिला दीजिए, मेज को हिलाना है, तो आप क्या करेंगे? हाँ, भरेंगे या नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जहाँ भी बल लगे वहाँ सांस लेना है, जहाँ बल छोड़े वहाँ सांस। बाजी देखो, ये उस्तादों वाले नियम पता चल गए। तो जहाँ पे ये कभी कभी फायदा होता है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ये किताबों में नहीं मिलेगा। मैं एक बात और बता दूं, आपके पिताश्री जाने माने और पद्मश्री अवार्ड से अवार्डेड, प्रथम पद्मश्री से, और वो बहुत ही प्रतिष्ठित योगा गुरु है। तो उनसे उनकी शिष्या भी है, उनकी पुत्री भी है। तो जहाँ बल लगे वहाँ सांस लेनी है। जैसे जैसे आप मुझे बताइए कि सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो वहाँ पे कहाँ बल लगा, जहाँ पे सांस ली? सबसे बड़ा बल कहाँ लगा? जब आप यहाँ थे और आप साष्टांग प्रणाम में गए, है ना, आपने जैसे आप पुशअप्स करते हैं, राइट? जी जी जी। आप सांस भर करके फिर यहाँ सांस को रोका और गहरा भरते हुए ऊपर गए, अब बल छोड़ रहे हैं तो सांस छोड़ेंगे। ओके। इस तरह से जो है हम सांस के नियम को बहुत आसान बना देते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा सबका शरीर अलग है, तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स में हम जो है ब्रीदिंग उल्टी भी करते हैं। अच्छा। उसके लिए कहा गया गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसे। अच्छा, गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में ही योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। जी। कब लेना है, कब छोड़ना है, ये एक सामान्य नियम आपने बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये विपरीत भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब कोई गुरु आपके सामने मौजूद हो, जब आपकी कंडीशन नॉर्मल से अलग है। अब मैं बिल्कुल जनरल चीजें जानना चाहता हूँ। जैसे कि अमूमन होता है कि महिलाओं को लेकर, और इस प्रोग्राम में बहुत कम हो पाता है कि हम इनके बारे में बात कर पाते हैं, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ खासतौर से वो लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं या गर्भावस्था में, उस समय क्या करें, क्यों, कौन सा आसन करना चाहिए? क्योंकि आजकल तमाम बातचीत है कि ये करना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो मैं खाने के बारे में बात करना चाहता हूँ और आसन भी जानना चाहता हूँ कि क्या करें क्या ना करें। देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये कि मातृत्व जीवन का सबसे सुखद अनुभव है, उससे बड़ा आनंद कोई है ही नहीं। दूसरी चीज, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इस दुनिया में, उसमें सिर्फ ह्यूमंस को छोड़ के बाकी किसी का पेट काट करके बच्चा नहीं निकाला जाता, सबकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला कि हम सिजेरियन करते हैं, एक भय ऐसा बिठा दिया जाता है कि अरे आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आप जो है शरीर हिलाएंगे ही नहीं। अगर आपकी सब कंडीशंस नॉर्मल है, प्रेगनेंसी सभी प्रेशियस होती हैं, लेकिन अगर आप नियमित योगाभ्यास करते हैं, मैं उसका एक जीवंत उदाहरण हूँ। मेरी बेटी जब होने वाली थी, शी वॉज इन ब्रीच पोजिशन, और बच्चे की उल्टी पोजिशन होने की वजह से 8वें महीने तक तो हम जो है योग सिखा रहे थे, पूरे वर्ल्ड टूर पर थे, और हम लौट करके आए और सिर्फ पोजिशन चेंज होने की वजह से हमें कहा गया आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। सिर्फ योगाभ्यास से हमने बच्चे की पोजिशन तक को चेंज किया और उसका जीवंत उदाहरण आपके सामने हमारी बेटी। बीच में तो कोई है ही नहीं, है ही अल्टरनेट ही नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ज्योतिष के अनुसार तिथि विथि निकलवा ली, लेकिन जब हम लास्ट अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो पोजिशन चेंज हो चुकी थी। तो आप नियमित रूप से रिस्क फ्री प्रैक्टिसेस करें, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर बहुत सेफ होता है, फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई झटका या कोई जर्क ना आए। तो ऐसे में हम पवन मुक्त क्रियाएं करते हैं, जिसमें हम बैठ जाते हैं अपने घुटने के बल और बैठ करके, ये तीनों ट्राइमेस्टर्स में किया जा सकता है बहुत ही आसानी से इसमें। और इवन हमारे जो भाई लोग दफ्तर में बैठ करके काम कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है, आप एंकरिंग करते करते भी कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है, पानी डाउनलोड करते रहना भाई। जी, इसे कुर्सी पर बैठ करके भी किया जा सकता है। गर्दन को पीछे की ओर ले जाना सांस भरते हुए और गर्दन को आगे की ओर ले आना, इसको 10 बार करें। दूसरे अभ्यास में गर्दन को साइड ले जाना सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सेंटर में ले आना, सांस भरते हुए फिर बाएं तरफ ले जाना। फिर यहां से चक्राकार मूवमेंट हम गर्दन को दें, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप कुछ काम नहीं कर रहे तो आपके टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं आपके जॉइंट्स पर। तीसरे अभ्यास में हम कंधों को चक्राकार मूवमेंट देते हैं, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपस में कोहनियों को मिला करके फिर से चक्राकार मूवमेंट देना बिना किसी झटके के, और फिर हाथों को सामने फैला करके हम कोहनियों की एक्सरसाइज करते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन का जमाना है तो उंगलियों को हम एक्सरसाइज ही नहीं देते, बस काम लेते रहते हैं, तो ऐसे में अपनी उंगलियों को हम पूरी तरह से रिलैक्स कर देते हैं। फिर अपनी
आप जो है कलाइयों को रिलैक्स कर देते हैं, फिर क्योंकि प्रेगनेंसी में आप पेट के बल लेटने वाली क्रियाएं नहीं कर सकते, तो इसलिए कमर को कैसे रिलैक्स करें उसके लिए बहुत केयर के साथ हम पैरों को सामने फैलाते हैं और सिर्फ सांस भरते हुए जितना आराम से ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना, सांस भरते हुए दूसरी ओर ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। फिर यहाँ से क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं को हम इस पोजिशन में ज्यादा लंबा बैठना सजेस्ट नहीं करते, तो लेट करके करते हैं घुटनों की क्रियाएं। इस स्थिति में लेट जाएंगे और घुटने को ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे पकड़ करके पूरा सीधा करना, वापस लेना, जितना कंफर्टेबली कर सकती हैं, यानी अपने साथ ज्यादती उनको बिल्कुल भी नहीं करनी है, एक्सर्ट नहीं करना है इसी, हाँ एक्सर्ट नहीं करना। इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से दोहराते हैं, यहाँ से करते चले जाएं, ऐसा 10 बार करने के बाद आराम से करवट लेकर के उठेंगी, यानी कमर के से एकदम सीधा वो महिलाएं नहीं बैठेंगी, फिर जो है पैर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, अप डाउन मूवमेंट देते जाए, है ना। और अगर आपका प्लेसेंटा बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो जब आप 2 बार इसका अभ्यास कर ले तो फिर थोड़ी देर स्क्वैटिंग पोजीशन में जरूर बैठे, ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही, अगर आप चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी हो तो बहुत आराम से सुगमता के साथ हम इस स्थिति में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। पर एक्सर्ट नहीं करना, एक्सर्ट बिल्कुल नहीं करना है ना, ये किया और फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, क्योंकि बॉडी का वेट बढ़ने लगता है तो पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स होने लगते हैं, कुछ महिलाएं तो रात रात भर सो नहीं पाती, नहीं सो पाती है ना, तो ऐसे में आराम से हाथों को पीछे टिका करके पैरों के पंजों को एक्सरसाइज देना, फिर इस तरह से खींचना और फिर सर्कुलर मूवमेंट देना, मूवमेंट करना। यानी हमें ऐसा लगता है कि योग जो है वो बहुत कठिन चीज है, पर योग की बड़ी सुगम सुगम सी क्रियाएं हैं जिनका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चाहे वो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जी या फिर हमारे भाई हैं, वो प्राणायाम का नियमित अभ्यास करो, उसमें भी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो ये क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है, भ्रामरी तक जब आप पहुंच गए तो यानी आप मस्तिष्क तक आ गए। भ्रामरी का संबंध जो है मस्तिष्क से है, और आजकल के समय में पता ही नहीं चलता, पाजी गुमसुम बैठे रहते हो ऑफिस में, क्या हुआ, क्यों हुआ, कहां हो गया, कुछ नहीं बताते हो, और तुम्हारा ये जो गुमसुम रहना है यही विचलित करता है। तो विचलन मन का और गुमसुम, जिसे कहते हो आजकल की भाषा में डिप्रेशन, तो क्या योग के जरिए उसको जीता जा सकता है, बात करेंगे वक्त छोड़े ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर आ सकते हैं। अचानक ये जानना चाहते हैं कि एक तो समस्या ये है कि डबल चिन कैसे कम किया जाए, क्योंकि मैं कायास पे हट ही नहीं पा रहा हूँ, और दूसरी उन्होंने कहा कि छरहरी हो जाए वो, जैसे ही अमृता यहाँ बैठी है, तो कैसे हो सकता है ये? देखिए, सबसे पहले हमने आपको सूर्य नमस्कार की क्रियाएं दिखाई, और अगर सूर्य नमस्कार का आप नियमित अभ्यास करते हैं तो एक्स्ट्रा चर्बी जो है आपकी वो छट जाती है और आप पतले दुबले हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार तन पे भी काम करता है, मन पे भी काम करता है। साथ में अगर हम डबल चिन की बात करते हैं तो उसके लिए हम इस प्रकार से बैठते हैं और 2-3 जो है अपनी क्रियाएं हम लेते हैं, यानी कि सीधे बैठे और इसको खींचना, वापस पास चले जाओ, पास थोड़ा पास जी, फिर से खींचना, वापस ले आना, ऐसा 10 बार करें। दूसरे स्टेप में गर्दन को ऊपर करके 10 बार ऐसा करें। पहला वाला स्टेप फिर से बताइए जी। आप अपने जॉज को आगे खींचना है, जॉज को आगे करिए, आप पूरा खिंचाव यहाँ पर अनुभव, फ्रेम जो है आगे कर दें जी, है ना। दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में इसी क्रिया को हम दाएं तरफ यहाँ पर पूरा खिंचाव अनुभव करेंगे, चौथे स्टेप में बाई तरफ यहाँ खिंचाव अनुभव करेंगे, और पांचवा स्टेप जो है उसमें हम गर्दन को ऊपर करके जीभ को सीलिंग की तरफ ले जाते हैं। ऐसा करने से डबल चिन भी कम होगी। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो होते तो पतले दुबले हैं लेकिन उनके चीक्स बहुत हैवी होते हैं, हाँ। तो वो सोचते हैं कि हम देख लें, सेल्फी तो में उनको बड़ी दिक्कत आती, हाँ, है फिर उन्हें एडिट करनी पड़ती है, सेल्फीज इनको एडिट करनी पड़ती है। लेकिन मन पे हम आना चाहते हैं और लास्ट में बिल्कुल एकदम कि मन को जब 2 मिनट रहे तो मन को कैसे सही रखा जाए। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन जो है वो योग का सबसे मुख्य विषय है, और मन को जीतने का माइंड एंड मेडिटेशन का तरीका है ध्यान। ध्यान आप कैसे करें सुगमता के साथ, मैं यहाँ पर आपको ध्यान की एक बहुत ही आसान सी टेक्निक बता रही हूँ। आप जब सुबह उठे, इसको हम भारत योग के अंतर्गत कहते हैं सेल्फ टॉक थेरेपी, यानी सुबह उठ करके 3 बार गहरा सांस लेना और ओम का उच्चारण करना, और उसके बाद 4 स्टेटमेंट्स को हम 4 बार अपने आप से दोहराते हैं। पहला,
ये एक खूबसूरत दिन है और परम पिता परमेश्वर को इस दिन के लिए धन्यवाद। दूसरा, जिस तरह से मेरे भीतर अपने माता पिता के गुण आए हैं उसी तरह परम पिता के भी गुण आए हैं, मुझे उन गुणों को जागृत करना है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम अपने आप को ये कहते हैं कि आज का दिन बहुत सुंदर गुजरने वाला है। और पांचवा ये कि हर श्वास में मैं परमात्मा को धन्यवाद करता चलूंगा। ये आपके अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी भरता है। और हमारी बड़ी प्यारी शिष्या है अपूर्वा, जिनका जिक्र अभी इन्होंने किया, जिनसे ये तो दादा गुरु हो गए हम इनके, कि ये हमारे शिष्या की शिष्या है। तो वो उन्होंने डिप्रेशन को फाइट किया और उसके जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यंग एज में डिप्रेशन हो गया या अधेड़ उम्र में जाकर के डिप्रेशन हुआ। तो हम योग एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम डिप्रेशन को फाइट कर सकते हैं, जीवन में सकारात्मक ला सकते जी। हैं जी, बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया कि मन और साथ साथ जो शरीर है उसको कैसे कंट्रोल करके किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो तमाम चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन बाजी मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मुझे फिर उसी फुटपाथ पर उसी जगह चौराहे पे कल आपके साथ मिलना है। मुझे मालूम है ये मुद्दा भी जरूरी था, ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं। तो आज इसीलिए मैं यहाँ आया, कल फिर वहीं मिलूंगा जहाँ आप होते हैं। जी हाँ, उसी फुटपाथ पर उसी जगह आपकी आवाज बनकर उसी तरह बोलता हुआ नजर आऊंगा।